हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है और बुक है आपके एनसीईआरटी वाली। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इससे पहले मैंने आपको क्रॉप पैटर्न के बारे में पढ़ाया था और फूड ग्रेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ाया था, जो मेन इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स थी उनके बारे में, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, पल्सेज, इनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऐसी क्रॉप्स के बारे में जो कि फूड ग्रेन नहीं है, मतलब जिनको कि हम खाने के पर्पज़ से नहीं लगाते हैं, एज अ रॉ मटेरियल हम उनको लगाते हैं। तो फर्स्ट आपकी जो क्रॉप है वो है शुगर केन। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। इट ग्रोज़ वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर ग्रो किया जाता है। और टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ये एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए इसके लिए। तो जो मेन चीज़ें हैं वो इसमें ये लिखते हैं, कितनी रेनफॉल चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए ग्रोथ के लिए, और कौन से रीजन में इसको लगाया जाता है। इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, और इरिगेशन की ज़रूरत होती है ऐसे रीजन्स के अंदर जहाँ की जो रेनफॉल बहुत कम होती है, लो रेनफॉल होती है। एंड इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल, इसको अलग अलग वैरायटी ऑफ सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। एंड नीड मैनुअल लेबर, और इसके अंदर मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। फ्रॉम शोइंग टू हार्वेस्टिंग, शोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद। फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील है शुगर केन के अंदर, एंड देन उसके बाद इंडिया आता है। इट इज़ द मेन, यह मेन सोर्स है शुगर का, यानी कि जो हमें शुगर है वो शुगर केन से ही मिलती है। इसके अलावा गुड़, जैगरी, खंडसरी एंड मोलेसेस, ये सब शुगर केन से पाया जाता है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, और जो मेजर शुगर केन स्टेट हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड पंजाब, हरियाणा। तो ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर शुगर केन को लगाया जाता है। देन फिर आता है ऑयल सीड। ऑयल सीड यानी कि जिसे हम तेलहन बोलते हैं, जिससे तेल निकाले जाते हैं ऐसे बीज। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और ऑयल सीड्स के अंदर जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड में डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन, कवरिंग अलग अलग प्रकार की जो ऑयल सीड्स हैं उनको ग्रो करने वाला जो एरिया है वो 12% है टोटल क्रॉप्ड एरिया का ऑफ द कंट्री। द मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया, और जो मेन ऑयल सीड जो प्रोड्यूस की जाती है इंडिया के अंदर वो हैं ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स एंड लिन सीड्स, सनफ्लावर्स। मोस्ट ऑफ दीज आर इडेबल, इनमें से जो ज़्यादा हैं वो खाने योग्य हैं, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। एंड यूज एज अ कुकिंग मीडियम, पकाने के लिए यूज किया जाता है। हाउ एवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो एज अ रॉ मटेरियल, और इसमें से कुछ ऐसी भी हैं जिसको कि हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सोप, सोप बनाने में, कॉस्मेटिक्स या ऑइंटमेंट बनाने में। अब इसमें नंबर वन जो आती है आपके ग्राउंड नट। ग्राउंड नट एक खरीफ क्रॉप है। ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप। ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस ऑफ कंट्री। और कंट्री के अंदर जितना भी ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है उसका आधा जो है वो ग्राउंड नट का होता है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, और उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स आते हैं ग्राउंड नट के अंदर। देन उसके बाद आता है लिंसिड एंड मस्टर्ड। लिंसिड एंड मस्टर्ड, जैसे ग्राउंड जो है वो खरीफ क्रॉप है। मूंगफली, मूंगफली को गर्मियों में उगाया जाता है और सर्दियों में मूंगफली खाई जाती है। तो ये
खरीफ क्रॉप हो गई, और लिंसीड एंड मस्टर्ड जो हैं ये रबी क्रॉप हैं, इनको विंटर सीजन में लगाया जाता है और गर्मियों में को यूज़ किया जाता है। शीशम इज़ अ खरीफ, जो शीशम है वो एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ नॉर्थ में, और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया के अंदर। कैस्टर सीड्स ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ, कैस्टर सीड्स को दोनों ही सीजन में लगाया जा सकता है, खरीफ और रबी में। तो ये था ऑयल सीड्स के बारे में। देन फिर आता है आपका टी। टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो टी है वो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स, और ये एक बीवरेज क्रॉप भी है, यानी पेय पदार्थ है, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर इनिशियली बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन, लेकिन आज ज़्यादा जो टी प्लांटेशन है उनके जो ऑनर हैं वो इंडियंस हैं। द टी प्लांट्स ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ये इसमें बताएं कौन से रीजन्स के अंदर टी प्लांटेशन होता है, तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन्स के अंदर होता है। और साथ ही में इसके लिए डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, जो कि रिच होनी चाहिए ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। टी बुशेज रिक्वायर्ड, और जो टी बुशेज हैं इनको वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए पूरे साल के लिए। फ्रीक्वेंट शावर्स, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंट शावर होना चाहिए, और इवनली हर जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ओवर द ईयर। एंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, और ये ज़रूरी है टेंडर लीव्स के लिए। द टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, टी जो है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें ज़्यादातर लेबर्स का यूज़ होता है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सस्ते और स्किल लेबर की ज़रूरत होती है। एंड टी प्रोसेस्ड विद इन टी गार्डन, टी को टी गार्डन के अंदर ही बनाया जाता है और उसको वहीं रिस्टोर किया जाता है, वहीं इसकी जो फ्रेशनेस है उसको रिस्टोर कर लेते हैं। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो हैं असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, टी को उगाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इस जगह पर भी टी को प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ द टी, इंडिया जो है ये प्रोड्यूसर भी है और साथ में ये एक्सपोर्टर भी है टी का। कॉफ़ी, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन, इंडिया जो है वर्ल्ड का 4% कॉफ़ी को प्रोड्यूस करती है। एंड इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन एज अ वर्ल्ड गुड क्वालिटी, इंडिया की जो कॉफ़ी है वो वर्ल्ड में एक अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी के रूप में जानी जाती है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमन, और ये जो कॉफ़ी की जो वैरायटी, इसमें अरेबिका जो वैरायटी है ये यमन से लाई गई थी, यमन। और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस इन द कंट्री, और उसके बाद इसको अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन या प्रोड्यूस किया जाने लगा। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस वैरायटी की सारी दुनिया के अंदर डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन बाबा बुदान हिल, सबसे पहले इसको बाबा बुदान हिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इवन टुडे, और आज भी इसका जो कल्टिवेशन है वो नीलगिरी हिल्स के अंदर होता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अब आता है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड किया जाता है। तो जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल का वर्ल्ड में। इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट, ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट दोनों का ही प्रोड्यूसर है। मैंगो ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जो मैंगो हैं ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, और जो ऑरेंजेस हैं वो नागपुर के एंड चेरापूंजी के फेमस हैं, मेघालय। बनाना जो हैं केरला और मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के फेमस हैं। लीची, गुआवा उत्तर प्रदेश के
एंड बिहार के हैं पाइनएप्पल, मेघालय ग्रेप्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं, एंड महाराष्ट्र के एप्पल एंड पियर, एप्रिकॉट, ये वॉलनट, ये सब जम्मू एंड कश्मीर की सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, और इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13%, इंडिया जो है वो लगभग 13% प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड की वेजिटेबल का, और इट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, और ये इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पटेटो का। अभी आपका नॉन फूड क्रॉप जो कि खाने से रिलेटेड नहीं है, नॉन फूड क्रॉप है जो केवल एज अ रॉ मटेरियल इसको ग्रोन किया जाता है, जैसे कि आपके रबर। रबर है ये नॉन फूड क्रॉप है, ये केवल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसको ग्रो किया जाता है, और ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट ये स्पेशल कंडीशन के अंदर इसको लगाया जा सकता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर, एंड इट रिक्वायर, और इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, और रेनफॉल 200 से सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है, एंड टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, और ये केरल के अंदर ग्रो किया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर इसको ग्रो किया जाता है, एंड गारो हिल ऑफ मेघालय में। इंडिया का जो रैंक है वो 5th है वर्ल्ड के अंदर नेचुरल रबर प्रोड्यूसर के रूप में। फिर आता है आपकी फाइबर क्रॉप्स, यानी कि कपड़ा बनाने से रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं, और फाइबर क्रॉप्स के अंदर जो 4 टाइप्स की फाइबर क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया है, कॉटन, जूट, हैम्प एंड नेचुरल सिल्क, ये 4 प्रकार के हैं। कॉटन, जूट और हैम्प ये तो प्लांट से मिलता है, और जो नेचुरल सिल्क है वो एनिमल से मिलता है। द फर्स्ट थ्री आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून, और जो सिल्क है वो कोकून के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, और कोकून जो है वो सिल्क वॉर्म बनाता है, और जो सिल्क वॉर्म है वो ग्रीन लीव्स के ऊपर रहता है, स्पेशली खास करके ये मलबरी मलबरी के पेड़ पर रहता है। मलबरी मीन्स होता है शहतूत, तो सिल्क वॉर्म को खाने के लिए शहतूत की हरी पत्तियां चाहिए होती हैं। रियरिंग सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को पालना, सिल्क वॉर्म को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्क वॉर्म को सिल्क के प्रोडक्शन के लिए पालना या सिल्क फाइबर के लिए पालना सेरीकल्चर कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। देन फिर आता है कॉटन। कॉटन इंडिया इंडिया इज बिलीव टू बी, जो इंडिया है ऐसा माना जाता है कि जो इंडिया है वो ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का, और कॉटन जो है सबसे मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का वर्ल्ड के अंदर। कॉटन ग्रो वेल इन ड्राई पार्ट्स, और जो कॉटन है वो ड्राई पार्ट्स के अंदर अच्छा उगाया जाता है, या ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर इसको बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, और डेक्कन प्लेट्यू या किया जाता है। इट रिक्वायर्स, इसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और लाइट रेनफॉल चाहिए होता है, यानी हल्की बारिश, इस या फिर इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू भी इसको उगाया जा सकता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, और ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के लिए। ये एक खरीफ क्रॉप है एंड रिक्वायर 6 to 8 month, और 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं इसको मैच्योर होने के लिए। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो ये कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। देन फिर आता है जूट। इट इज़ नोन एज अ गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, और जूट को वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल पर ग्रो किया जाता है इन द फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन वाले एरियाज के अंदर, वेयर सॉइल आर रिनोन, जहाँ पर जो सॉइल है वो हर बार रिन्यू होती है
हर साल एवरी ईयर हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, और जब इसका ग्रोथ का समय होता है तो उसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मेघालय ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहाँ पर कि जूट को ग्रो किया जाता है। और जूट को यूज़ किया जाता है गनी बैग्स बनाने में, मैट्स, रोप्स, यान, कारपेट और अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने में। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इट इज़ लूजिंग मार्केट और ये अपना मार्केट खो रही है टू सिंथेटिक फाइबर से एंड पैकिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली नायलॉन्स के थ्रू। क्योंकि जूट होता है जो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और ये महंगा होता है नायलॉन और सिंथेटिक फाइबर की अपेक्षा, तो इसको अपना मार्केट खोना पड़ रहा है इन दोनों की वजह से। तो ये जूट के बारे में है। अब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कि कौन कौन से टेक्निक्स आई हमारे कंट्री के अंदर या कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, उनके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इट वॉज मैंशन इन अ प्रीवियस पेजेस, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका था प्रीवियस पेजेस के अंदर, कि एग्रीकल्चर है ये इंडिया के अंदर 1000 ईयर्स पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हिंडर्ड द फेज ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब क्या था कि लैंड को सस्टेनेबली तरीके से यूज़ किया जाए बिना किसी कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशन के बदलाव के, हैव हिंड्रेड द फेज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और ये एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के फेज के अंदर हिंडर था। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरीगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर इन अ लार्ज पार्ट, और इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अलावा, डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन अ लार्ज पार्ट, पता इरीगेशन जो है ये डेवलपमेंट का एक सोर्स है, और इसके अलावा ज़्यादा जो किसान हैं उन्होंने एक बहुत बड़े हिस्से पर इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री ये इरिगेशन जो है वो फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं किसान। स्टिल डिपेंड ऑन मानसून, लेकिन उसके बाद भी इरिगेशन की व्यवस्था होने के बाद भी आज भी जो बहुत सारे किसान हैं कंट्री के वो मानसून पर डिपेंड हैं या नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड हैं इन ऑर्डर टू कैरी देयर एग्रीकल्चर फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए दिस पोजेज इज़ अ सीरियस चैलेंज, ये जो पोज है ये काफ़ी चैलेंज वाला है। एग्रीकल्चर विद विच प्रोवाइड लिवलीहुड, एग्रीकल्चर जो कि लिवलीहुड प्रोवाइड करता है मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 60% पॉपुलेशन से 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए नीड्स सम सीरियस टेक्निक, और इसके लिए ज़रूरत है कि कुछ सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो। दस कलेक्टिवाइजेशन, और इसे क्या होता है कि जो लैंड है उसको कलेक्ट किया जाता है या कॉन्सोलिडेशन किया जाता है, और होल्डिंग्स कॉपरेशन एंड एवल्यूशन से ज़मींदारी या ज़मींदारी को ख़त्म करना या कॉपरेशन कॉपरेट करना, वह गिवन द प्रायोरिटी, इनको प्राथमिकता दी जाती है टू ब्रिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिससे कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए जा सके कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए थे जिनके अंदर ये सारी चीज़ें, जैसे ज़मींदारी को ख़त्म कर दिया गया था, और जो कॉन्सोलिडेशन है, होल्डिंग है, कॉपरेशन है, इसको बढ़ावा दिया गया था। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे। लैंड रिफॉर्म्स वॉज अ मेन फोकस, और सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था, मेन फोकस जो था वो था लैंड रिफॉर्म ऑफ आर फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, और जो इनहेरिटेंस का जो अधिकार, इनहेरिटेंस मतलब होता है कि जैसे उत्तराधिकारी जो होते हैं कि भाई अगर पिता की जो संपत्ति है उस पर अधिकार जो है इनके बेटों का अधिकार होता है, हैड ऑलरेडी लेट द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है टुकड़े करना। तो मान लीजिए एक फादर है, उनके पास अगर 100 गज जमीन है ना, तो वो क्या करता है, उसके अगर 4 बेटे हैं तो वो 100 गज जमीन जो है वो 4 बच्चों में बांट देता है, 4 बेटों में बांट देता है। तो यानी कि वो एक बच्चे के पास कितनी भी पड़ेगी, 25 25 पड़ेगा हर हर बच्चे के पास। तो इस तरह से क्या हुआ कि लैंड के जो टुकड़े हो गए 4,
और उसके बाद आगे चल के वो अपने बच्चों को देंगे तो उससे और लैंड के टुकड़े हो जाएंगे। तो जो इनहेरिटेंस है, इससे क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेशन हो चुका है लैंड होल्डिंग का, नेसेसिटीज फ्रेगमेंटेशन हो गया है, और इसके लिए ज़रूरी है कि कंसोलिडेशन किया जाए ऑफ होल्डिंग्स, जो भी लैंड है उनको आपस में मिलाकर, और जो उसका प्रॉफिट हो वो आपस में बांट लिया जाए। तो कंसोलिडेशन ज़रूरी है, नहीं तो छोटी छोटी लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म, और जो लॉ है लैंड रिफॉर्म का, वर इनेक्टेड बाय द लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवॉर्म। कानून तो बना दिए गए हैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड और उनको लागू भी कर दिया गया है, लेकिन कानून तैयार हो गए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसको जो लागू करना है या जो उसको स्टार्ट करने की जो व्यवस्था है, वो उसमें कमी पाई जा रही है, या लुक वॉर्म बोला है। लुक वॉर्म मतलब गुनगुना होता है, लेकिन यहाँ पे गुनगुना नहीं है, धीमी गति से हम बोल सकते हैं कि धीमी गति से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर, और जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रही है टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर, जिससे कि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। इन 1960 एंड 1970 से द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज, और इसी के अंदर एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिससे कि जो टेक्नोलॉजी पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और वाइट रेवोल्यूशन आया था, ऑपरेशन फ्लड वर्सम स्ट्रेटजीज, ये कुछ इनिशिएटेड थे जिन्होंने कि इम्प्रूव किया था बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को। ग्रीन रेवोल्यूशन होता है वो क्रॉप से रिलेटेड होता है, और जो वाइट रेवोल्यूशन होता है, ये इसको हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, या हम कह सकते हैं इसको एनिमल से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि एनिमल का मिल्क बढ़ाना, किस तरह से उनका मिल्क बढ़ा जाए, उसकी जो वैरायटी अच्छी की जाए, तो वो वाइट रिवोल्यूशन के अंदर आ जाता है। बट दिस इज़ टू लेट द कंसनट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन अ फ्यू सेलेक्टेड, इसका जो कंसनट्रेशन किया था या इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो कुछ ही सेलेक्टेड एरियाज के अंदर हुआ था। देयर फोर इन 1980, और इस वजह से जो 1980s और 1990s के अंदर जो लैंड डेवलपमेंट हुआ था, कंप्रेहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, विच इंक्लूड बोथ, जिसके अंदर दोनों ही इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किए गए। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, और जो प्रोविज़न था क्रॉप इंश्योरेंस का अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीजेस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारी फैसिलिटीज किसानों को प्रोवाइड की गई, साथ ही में उनको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई कम रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप थे इस डायरेक्शन के अंदर कि कुछ सुधार होना चाहिए लैंड के अंदर। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम केसीसी बोलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जिसे पीएआईएस बोलते हैं, इंश्योरेंस स्कीम, जिसे पीएआईएस बोलते हैं, आर सम अदर स्कीम्स, ये कुछ ऐसी स्कीम्स थी जिनको कि इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कुछ ऐसी स्कीम है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट और इंडिया के थ्रू फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर, किसानों के बेनिफिट के लिए। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन, इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स चलाए गए थे किसानों के लिए, इन ओवर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो, उनको इंट्रोड्यूस किया गया रेडियो टेलीविजन पर। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस, और जो गवर्नमेंट है वो भी अनाउंस कर रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस, कि जिससे कि जो किसान है उनको किसी प्रकार का भी लॉस नहीं होना चाहिए इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए, टू चेक द एक्सप्लोटेशन, जिससे कि वो किसानों का जो एक्सप्लोटेशन है उसको रोक सके। चेक मीन्स यहाँ पे उधर रोकना, बाय द स्पेकुलेटर्स एंड मिडिलमैन्स, बिचौलिए और जो दलाल होते हैं, स्पेकुलेटर मतलब दलाल जो होते हैं, या मिडिलमैन जो होते हैं, बिचौलिए, उन उनके एक्सप्लोटेशन से किसानों को बचाया जा सके। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो ये सारे प्रोग्राम्स चला रही थी। अब है आपका भूदान एंड ग्रामदान, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे आपको पढ़ना है। आज आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने आज नॉन एग्री, नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था,
या फूड ग्रेन के अलावा जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन एंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। तो आपने जो पढ़ा है अब इसको आपको रिवाइज करना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।